₹20 का माजा तेरी लाइफ बना दूं आज। ये दीजिए भाई, चॉकलेट खाइए और प्यार को बढ़ाइए। आना है तो आ जाइए, मेरा मूड खराब करके ना जाइए। अभी मेरे हिसाब से जैसे दीपक को पता है, जैसे दीपक को पता है कि थोड़ी देर में कुछ तमाशा हो सकता है, बहुत तगड़ा वाला होगा गाइस जो भी होगा। अभी आप लोग कहाँ की यात्रा करने के लिए आए, होली पर ब्रज की यात्रा करने के लिए। भीड़ देख सकते हैं आप, कतल भीड़, एकदम कतल लेवल की, प्रेम ही प्रेम है यहाँ। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं दूसरे मंदिर की ओर, वो है प्रेम मंदिर है और ये प्रेम नगर है। मतलब कह सकते हैं हम इसे प्रेम नगर, क्योंकि प्रेम मंदिर वही है तो प्रेम नगर ही कहेंगे। ये प्रेम की जन्मभूमि वृंदावन, वृंदावन है। और अभी हम कहाँ से आए थे, मैं तो भूल गया। अभी हम आए थे निधिवन से, निधिवन से आए थे हम, जहाँ आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से जो है श्री कृष्ण और गोपियाँ रासलीला वहाँ होती है और किस तरह वहाँ की जाती है, मतलब चीज़ें काफ़ी यूनिक था, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। वहाँ का पूरा जहाँ प्रेम मंदिर है, गार्डन आने बेकार है भाई, और प्रेम ही प्रेम है यहाँ हर जगह देख ही सकते। गाइस भीड़ एकदम नेक्स्ट लेवल है। नंगे पैर भी है। सामने देख सकते हैं आप प्रेम मंदिर, और ये हमारी एंट्रेंस काफ़ी मुश्किल होता हुआ यहाँ पे सफर, और लौंडो को पता नहीं पागल हो चुके यहाँ पे। बाईपास क्रॉस कर लिया और आप देख सकते हैं बाईपास की भीड़ एकदम तगड़ी, हिचक गए थे हमें अभी वहाँ पे, मतलब बहुत ही तगड़ा। और ये सामने एंट्रेंस है, बहुत अजीब सी दिख रही होगी आपको, लेकिन सच बताऊँ बहुत ब्यूटीफुल है, फोन में बहुत अजीब सी दिख रही है। और अंदर है प्रेम मंदिर, और वहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक है वो, मतलब बहुत दूर तक है। तो देखते हैं हम अंदर जा पाते कि नहीं जा पाते यहाँ। ये गाइस राम मंदिर, राम मंदिर क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेम मंदिर, प्रेम ही प्रेम है यहाँ। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के प्रेम नगरी मंदिर में, और यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा रश हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे तो हमें ये इन्फॉर्म ये भी मना कर जाता कि तुम अंदर इंस्टा 360 लेके नहीं जा सकते, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर लेके आ चुके हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। एक बार मंदिर दिखा दो यार प्यार से। दोस्तों अब इसके बाद हमारा प्लान है कि हम गोवर्धन पर्वत की साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा हो रखा है और वहाँ पे कम से कम लगा लो आप 20 से 25 पुलिस वाले खड़े हो रखे हैं ये करने के चक्कर में, ताकि यहाँ पे रश बहुत कम हो। तो अभी चलते हैं हम आगे गोवर्धन पर्वत की तरफ। इधर आ, देख सकते हैं हम दूसरी तरफ आ चुके हैं पूरे के पूरे, और दूसरी तरफ ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्रेम मंदिर, जो हर जगह प्रेम ही प्रेम बिखेर देता है। देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर, और दूर दूर पे मस्त मस्त चीजें जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं, और सामने वहाँ पे गोवर्धन पर्वत भी बना रखे उन्होंने। पर यहाँ से जो कतल व्यू आ रहा है ना उस साइड से तो आ ही रहा था, और इस साइड से और कतल आ रहा है। तो गाइस हम गोवर्धन में पहुंच चुके हैं, गोवर्धन पर्वत की जो हमारे बन रखी है यहाँ पे स्टैचू काफ़ी अच्छी लग रही है, और उसके बाद उस साइड से एग्जिट है और हमको निकलना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली एग्जिट हो चुकी है हमारी, और भीड़ देख सकते हैं आप, भीड़ देख सकते हैं आप, कतल भीड़ एकदम कतल लेवल की।
सुपर बात दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6, हालत तुरंत खराब। सो गाइज, इसके बाद हम गए कंस महल और वहाँ हम वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस थी, मेटल डिटेक्टर्स थे, वीडियो रिकॉर्ड करना सख्त मना था क्योंकि वहाँ मस्जिद और मंदिर के बीच में विवाद है, विवादित ज़मीन है इस कारणवश। तो गाइज, हम सभी तैयार हो चुके हैं, बड़े तरीके हम सब अपने रूप में आ चुके हैं, जा रहे हैं हम गोकुल, जा रहे हैं गोकुल, जा रहे हैं ना बरसाना, नहीं जा रहे गोकुल, जा रहे हैं अभी गोकुल जा रहे हैं, उसके बाद बरसाना जाएंगे। दोस्तों अभी गोकुल, तो हमें गोकुल में, और यहाँ पे प्रसादी खाने रुक रखे हैं, भोजन का समय हो चुका है, इसके बाद हम जाएंगे मतलब मेनली घूमने के लिए यहाँ से, लेकिन पहले खाना खा रहे हैं। भाई भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है, भीड़ कितनी भयंकर भीड़ लगी है, कितनी भीड़ लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, मतलब ये लगा लो कम से कम आधा एक घंटा तो हमें खाना लेने में लग जाएगा, फिर उसके बाद 15-20 मिनट हमें खाने में लग जाएंगे। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है दोस्तों, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, लोग आते जा रहे हैं, और यहाँ पे तो मतलब उस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं है कि हमारा मतलब खाना जल्दी वगैरह हो जाए, लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे वो खा लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या कैसा होता है। चलो गाइस, हमने जो है खाना खा लिया है और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने मैनेज किया और खाना खा चुके हैं हम। तो अब हम बस पर बैठने जा रहे हैं, दीपक भाई वहाँ से खाना खा के नहीं, खाली रख के आ चुके हैं, खाली धो के आ चुके हैं। कैसा लगा दीपक भाई आपको? खाना बहुत बढ़िया था, और ख़ास कर एक कड़ी, क्योंकि हम खाई आजकल कड़ी रहे ज़्यादातर, क्योंकि तो ट्रैवल ही ऐसा है, लेकिन अगर यहाँ आओ और यहाँ का प्रसाद ना खाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। यहाँ का प्रसाद खाना, तो यहाँ प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होता ना? हाँ, यहाँ प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होता प्योर। तो भोजन करने के बाद अभी दीपक भाई का मन हुआ है थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने का, हमारे दीपक भाई भाई स्वयं जो ये कलाकारी जो हमारे माथे में करी गई है, एक लड़के ने करी है, वो तो धुत हो रखा है वृंदावन के नशे में, क्या पता वृंदावन ही रुक जाए, उसे हो गया भाई, वो हो गया, उसको सीन हो गया ना उस लड़ने का। दीपक रिकॉर्ड कर, दीपक राधे राधे, दीपक दौड़ने का सीन हो गया है उसका, मैंने पहले ही बोल दिया था वो यही छूटेगा, छूटेगा नहीं। इसमें चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम में, इस नाम का चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम में इसका, कभी कभार कभी आदिपक कुमार भी होगा, अच्छा जी पिक्चर ले लो। दोस्तों अभी हम गन्ने का जूस पी रहे थे, लेकिन हम गन्ने का जूस तो पी रहे थे लेकिन हमारे पीछे पीछे हमारे सब्सक्राइबर ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे वृंदावन में, और ये है वो हमारे सब्सक्राइबर, और अभी हम इनके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे और इनके साथ, और हम इनसे एक बार पूछना चाहते हैं कि वृंदावन क्यों आ रखे, और मतलब इनका क्या पर्पस है वृंदावन आने का, तो आप क्यों आ रखे वृंदावन? होली बनाने क्योंकि बहुत मन था होली बनाने का। और आप हो कहां से वैसे? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। वाह क्या बात है, छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी, छत्तीसगढ़ से लोग वृंदावन आ रखे घूमने, छत्तीसगढ़ बहुत दूर है भाई वृंदावन से, सिर्फ घूमने आ रखे, तो सोचो क्या कृपा है नारायण की। तो राधे राधे सभी को, अब एक फोटो लेंगे इनके साथ और चलेंगे आगे आगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यमुना मैया, और नीचे देख सकते हैं आप कछुए, देखिए कछुए तैर रहे हैं। छोटे से बड़ा किया, यहाँ पे पढ़ाया लिखाया शादी किया जमीन जायदाद दिया, अभी आप लोग कहाँ की यात्रा करने के लिए आए? होली पर ब्रज की यात्रा करने के लिए, तो यहाँ ब्रज के राजा कौन है? কোথা গেছো? আমি আর বাড়ি আসলে নেই, ও থাকি আমরা কলকাতায় একটু কলেজ, ও আচ্ছা হেরিটেজ कौन है? यहाँ के राजा कृष्ण नहीं है, कृष्ण कहाँ के राजा है?
द्वारका के राजा, यहाँ पूरे ब्रज के राजा कौन है? बलदेव। चलो भाई का प्रयास है आज ज्यादा आज दोस्तों, अभी दीपक अपना थोड़ा ये ज्यादा थोड़ा तीतर बन रहा है, अभी देखो क्या होता है। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं जो ये पेड़ है तो दिवाली के टाइम पे इस पे चार कलर के फूल आते हैं, चार कलर के, मतलब सोच सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं 84 खम्भों की तरफ, तो इन खम्भों की कहानी थोड़ा बहुत ही मतलब पता लग पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बस इतना पता लग रहा है कि मतलब जिस मतलब जब भी कोई मतलब उन खम्भों को गिनता है तो मतलब टोटल 84 नहीं मिलते हैं, वो कभी 83 हो जाएंगे या कभी 85 हो जाएंगे, लेकिन ये है जिसे वो मिल गया मतलब तो अलग ही लेवल में चले जाएगा परमात्मा। तो आप लोग देख सकते हैं आगे, और फिलहाल हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है और हमको गिनने खंभे के कितने ज़्यादा हैं, मतलब 84 हैं कि पूरे की नहीं है, लेकिन हैं तो ज़्यादा की, मतलब कभी ज़्यादा होते कि कभी कम, लेकिन 84 काउंट नहीं होते, 84 काउंट नहीं हो पाते, ट्राई करेंगे पूरा, अगर 84 काउंट हो गए तो तुम मतलब बहुत अच्छा माना जाता है सारी लाइफ। भाई ऐसा दूंगा मजा कसम से जिसकी नहीं मिलेगी आपको कोई सजा, जिंदगी का असली मजा हो पाना मेरे पास में आ जाना, हम आपके दिल में रहते हैं ऐसा हम नहीं है, तो जमाने के लोग कहते हैं मैडम पानी का बोतल चाहिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए बोलेंगे, हम आपके इंतजार में खड़े जरा धीरे से बोलेंगे क्या चाहिए, बोतल भी पानी की सब कुछ मिल जाएगा जनाब मेरे पास में, और किस्सा ना बना दूं तो कहना पहली मुलाकात में, ठंडा कोल्ड ड्रिंक चाहिए पानी की बोतल चाहिए बताएंगे जी, भाई 20 रुपये का पानी और आज तो कसम से बन जाएगी जिंदगानी, दो बोतल लेने थम्स अप स्प्राइट पीने का और मजा आ जाएगा जीने का, भाई 20 रुपये का माजा तेरी लाइफ बना दूं आज, ये भाई चॉकलेट खाइए और प्यार को बढ़ाइए, आना है तो आ जाइए मेरा मूड खराब करके ना जाइए, भाई 10 रुपये का फ्रूटी और बातें होंगी स्वीटी स्वीटी और बताइए क्या लेंगे, ये लेंगे या वो लेंगे, आज तो आप ही बताएंगे आप क्या लेंगे, हम वापस लेंगे भाई। और कुछ बताइए क्या चाहिए, बस नहीं चाहिए तो फिर मेरा मूड खराब करके ना जाइए, ना आप मूड खराब हो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं ऐसा हम नहीं है, तो जमाने के लोग कहते हैं भाई दिल भारी भारी क्यों हो रहा है। भाई चॉकलेट खाइए और प्यार को बढ़ाइए, जल्दी से आ जाइए लेट ना हो जाइए, लेट तो जब ड्राइवर आएंगे तभी जाएंगे, थम्स अप स्प्राइट पीने का और मजा आ जाएगा जीने का, भाई चॉकलेट खाइए और प्यार को बढ़ाइए। सो गाइस ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो अगले व्लॉग में हम जाएंगे बरसाना, और ये इस पूरी ट्रिप का वृंदावन ट्रिप का लास्ट व्लॉग होगा जिसमें हम बरसाना जाएंगे और होली खेलेंगे, और बहुत ही मस्त व्लॉग होने वाला है वो। सो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक मारे, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर कर दें ये वीडियो हर जगह को, और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा सी यू, बाय बाय।